वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी वेब सीरीज के बारे में जो कि बंगाली वेब सीरीज है, मगर हाल फिलहाल तो बनाने का सिर्फ एक ही मेरा इंटेंशन है कि एक सब्सक्राइबर मेरे उन्होंने कहा था कि भाई मुझे इस वेब सीरीज का रिव्यू करो। तो यार इस तरीके की वेब सीरीज मुझे पर्सनली तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन जब कोई सब्सक्राइबर आपको बोले कि यार आप इस वेब सीरीज का रिव्यू करो तो आपको करना पड़ता है, क्योंकि उन लोगों ने हमारे चैनल को इसीलिए सब्सक्राइब किया कि उन लोग ऐसी वेब सीरीज का रिव्यू या मूवी का वेब सीरीज देखते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं वीडियोज बनाता हूँ। तो भाई ये वीडियो तुम्हारे लिए। तो सबसे पहले ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इतना ही बोलूंगा कि जिन लोगों को बोल्ड वेब सीरीज देखना पसंद है तो ये वेब सीरीज बोल्ड से भी बोल्ड बहुत ज्यादा बोल्ड वेब सीरीज है, और अब तक की मेरी देखी गई सबसे ज्यादा बोल्ड वेब सीरीज में से एक वेब सीरीज है। मैं इस तरीके की वेब सीरीज को ना देखता हूँ, ना मैं पसंद करता हूँ, ना मैं बोलूंगा कि आप लोग भी देखो, लेकिन सिर्फ रिव्यू करना था तो इसीलिए मैंने ये वेब सीरीज देखा, और देख के मेरा दिमाग एकदम फट चुका है। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि क्यों मैंने इस वेब सीरीज को देखा। तो आप लोगों का ये वेब सीरीज देखना है तो आप लोग इसे देख सकते हो, एमएक्स प्लेयर पे अवेलेबल है और शायद कुछ डाउनलोडिंग साइट्स पे भी आपको मिल जाएगी। ये एक बंगाली वेब सीरीज है लेकिन अभी हिंदी डब में रिलीज हुई। इस वेब सीरीज का नाम है चरित्रहीन। वेब सीरीज को डायरेक्ट किया डेबोरा चटर्जी ने या बैनर्जी ने, भाड़ में गया जो भी इसे डायरेक्ट करता हो। इसमें एक्टर्स बहुत सारे बंगाली है। कहानी की बात करूं तो कहानी शुरू होती है उनके बारे में बताया था। इस कहानी के मेन कैरेक्टर है किरण, उसका हस्बैंड हरण, किरण का एक्स बॉयफ्रेंड अबीर और उसका फेसबुक फ्रेंड सतीश और उसका मुंह बोला एक देवर। अब इस वेब सीरीज में तकरीबन हमें 11 एपिसोड देखने को मिलते हैं। हर एक एपिसोड लगभग 20 से 22 मिनट का है। कहानी सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो यार कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इस तरीके की वेब सीरीज का मुझे रिव्यू करना पड़ता है। मैं आप लोग को क्या बोलूं, कहानी ये है कि किरण और हरण दोनों मैरिड कपल है और शादी के कुछ साल बाद हरण का एक्सीडेंट हुआ था, और एक्सीडेंट होने के बाद उसकी कमर से नीचे का हिस्सा वर्किंग नहीं करता, यानी पैरालाइज हो चुका है। अब वो कुछ काम कर नहीं, इंक्लूडिंग उसका वो वाला हिस्सा भी जो आप लोग समझ चुके होंगे। तो ये वेब सीरीज सिर्फ और सिर्फ बोल्ड चीजें ही दिखाती है। तो हरण क्या करता है, अपनी वाइफ किरण का फेक अकाउंट बनाता है फेसबुक पर और अपने घर में सीसीटीवी कैमरा, इवन किरण के बाथरूम यानी कि जहां पर वो नहाती वहां पे भी कैमरा लगा था। पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा रहता और वो हमेशा किरण को देखता था, यानी कि उसको शक रहता क्योंकि अब वो उसका नीचे का हिस्सा चलता नहीं, तो वो सोचता है कि मेरी वाइफ का किसी और के साथ अफेयर हो जाएगा, तो उसको घर पे लिखा कि कुछ उसके साथ, आप लोग समझ सकते हो क्या। तो इस तरीके का मेंटेलिटी का वो इंसान रहता दिमागी तौर पर, और उसकी वाइफ किरण बहुत ही ज्यादा शरीफ और नेक होती है। हालांकि उसका भी एक पास्ट में बॉयफ्रेंड बताया अबीर, लेकिन जब उसकी इससे शादी हो जाती है हरण से तो वो उसके बॉयफ्रेंड को छोड़ के वो फेसबुक पे फेक अकाउंट खोल के जितने भी लड़के रहते हैं उन लोगों से दोस्ती करता है और अपनी वाइफ की न्यूड्स पिक उन लोगों को सेंड करता है। उसे मजा आता है ये सब चीजें करके, मतलब एकदम साइकोलॉजिकल पागल अजीब तरीके का इंसान बताया गया। वो अगर किरण की बात करें तो किरण बहुत शरीफ और सही लड़की बताया कि एकदम वो अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा पैकेज, जब भी उसको पता है कि उसके हस्बैंड का ना उसे सेक्सुअली कुछ चाहिए होता ना उसे फाइनेंशियली कुछ चाहिए होता, वो सिर्फ उसके हस्बैंड का साथ चाहती है। लेकिन उसका हस्बैंड बहुत ही वाहियात किस्म का, इसमें बताया एक दिन क्या होता है जब किरण स्पा पार्लर या आप मसाज पार्लर कह सकते हो वहां से जब वो बाहर वापस लौटते थे तो वहां पे सतीश उसे पहली नजर में देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और उसके जहन में सिर्फ किरण ही किरण उस टाइम पे पूरा जहां भी वो देखता है उसे किरण ही नजर आती है। और एक दिन वो फेसबुक पे चैटिंग करता है तब वो किरण का ईमेल आईडी दिखता है, तो किरण के आईडी पे वो फ्रेंड रिक्वेस्ट डाल देता है। उसे ये पता नहीं था किरण, हालांकि किरण फेसबुक यूज नहीं कर रही है, किरण के बदले उसका हस्बैंड फेसबुक आईडी यूज करता है और वो उससे चैटिंग करता, उसका हस्बैंड उससे चैट करता है। फिर उसके बाद सतीश बोलता है कि आपकी कोई पिक बता दो, उसके नहाती हुई तस्वीर उसे सेंड कर देता है, और मतलब ये ऐसा एक को नहीं बहुत लोगों को ऐसा सेंड करता है। फिर दूसरे दिन क्या होता है जब नेक्स्ट टाइम वापस से किरण उस पार्लर जाती तो वहां पर ये सतीश उसे मिलता है और बोलता है कि हम लोग रात को आपसे, हम लोग दोनों आपस में बात कर रहे थे, आपने बहुत देर तक मुझसे बात करी। बोला किरण सोचती कि यार मैं तुमसे कब बात करी, ये सब पूरा डिस्कशन होता। फिर वो अपना मोबाइल निकाल के उसे अपना उसका अश्लील फोटो दिखाता, वो समझ जाती कि ये इसकी हरकत उसके हस्बैंड ने ही की हो, तो वो घर पे जाती, जैसी घर पे जाती उसको पता चलता है कि उसके हस्बैंड ने सिर्फ इसके साथ ही नहीं तमाम दूसरे लोगों के साथ अपनी वाइफ के न्यूड पिक सेंड की है। और वो फिर बहुत गुस्सा होते अपने हस्बैंड को, बहुत चिल्लाते, उसका हस्बैंड वजह क्या था बोलता कि मैं तुमको सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं कर सकता तो मैं चाहता हूँ कि दूसरे लोग तुम्हें मतलब वो एकदम अलग ही तरीके का आदमी, मतलब इस तरीके के लोग कहाँ होते हैं मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आती, ये राइटर लोग कहाँ कहाँ से कहानी ढूंढते ये समझ के बाहर है। तो फिर उसकी वाइफ सोचती कि मैं इससे बदला कैसे लूँ, तो उसकी वाइफ बोलती जिस गेम को तुमने शुरू किया मैं उसे खत्म करूंगी, मैं उसको और आगे बढ़ाऊंगी। तो वो क्या करती, सतीश को मैसेज करती है, सतीश को बुलाती है, उसके बाद वही उनके जो सेक्सुअल सीन्स बताए गए, फिर उसके बाद क्या होता है मतलब
स्टोरी कहाँ जा रही है अगर आपको देखना है तो आप ये वेब सीरीज जरूर देख सकते हैं। इसके बाद और भी भयानक भयानक चीजें बताई गई और इसमें बेमतलब कि इतने हर एपिसोड में सेक्सुअल सीन्स डाल दिए। इसमें एक लेस्बियन सीन भी डाल दिया, एक दो लेस्बियन सीन्स डाल दिए गए किरण और वो एक मसाज पार्लर की, मतलब बिना मतलब की बिना सर पैर की कहानी मुझे तो लगी। फिर लास्ट में एक रिवेंज ड्रामा हो गया, फिर वो अरे बाप रे मैं तो सर पकड़ के बैठ गया, मतलब क्या वेब सीरीज, वो भी 22 मिनट के एपिसोड इस तरीके की वेब सीरीज में, यार स्टम शॉकिंग है। तो अगर आप लोग को देखना तो आप लोग जाके देख सकते हो हॉयचॉय ऐप, हॉयचॉय क्या है वो ओरिजिनल, वहां पे आपको ये मिलेगी या तो एमएक्स एवरी एंटरटेनमेंट में भी मिलेगी। तो ये इस तरीके की वेब सीरीज को मैं सपोर्ट नहीं करता ना मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखो, तो फिर भी अगर आप लोग को देखना है तो आप लोग इसे देख सकते हैं, और नहीं देखोगे तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये कोई मतलब नहीं है वेब सीरीज की आड़ में सिर्फ बी ग्रेड और सी ग्रेड वाले अपनी एक धंधा एक अपना बिजनेस चला रहे और कुछ भी नहीं है। तो मैं मिलूंगा आपको कल एक नए वीडियो के। टिल देन बाय।